लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सन्मार्गी और सद्गुणों से संपन्न वे प्राणी जो मेरा महत्व समझकर अपनी श्वासों में मेरी ध्वनि को समा लेते हैं, उनके लिए मैं तारनहार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद ब्रह्मा जी से जाकर कहते हैं कि वे क्यों दुष्टों को वरदान देकर साधुजन को कष्ट में डालते हैं। उसी समय भगीरथ की पुकार सुनाई पड़ती है। ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगीरथ को उसकी तपस्या की सिद्धि के लिए शिव कृपा प्राप्त करने का आदेश देते हैं। सर्वथा नहीं, आप साधु हो या संत हो, या राजा हो या महाराजा हो, सम्राट हो या विराट हो, किंतु हम आपको भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। तुम हो कौन? मैं हूँ नंदी, भगवान शिव का वाहन। ये है भृंगी, भगवान शिव का गण। हम लोग इसी कार्य के लिए नियत किए गए हैं कि भगवान शिव समाधि में लीन हो तो उनके निकट किसी को ना जाने दें। आपका कथन सत्य है, परंतु आप हैं कौन?
मैं भागीरथ, मेरा प्रयत्न है अपने वंशजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना। मैं शिव भक्त हूँ और भक्त को भगवान के समीप जाने से रोकना तो अब कर्म है। अब कर्म नहीं, कर्तव्य है। भोलेनाथ समाधि में लीन है, वहाँ जो भी जाएगा समाधि भंग करेगा ही। हमें आदेश है कोई भी उनके समाधि भंग ना करे। किंतु उनकी समाधि भंग करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तुम वहाँ जाओगे तो क्या भोलेनाथ का भोला सा मुखड़ा देख कर लौट आओगे? नहीं, मुझे उनसे कुछ निवेदन भी करना है। आ गए ना मूल विषय पर। वे जब समाधि में लीन होंगे तब आप निवेदन करेंगे, तो समाधि भंग होगी ही। नहीं नहीं, आपको हम जाने नहीं देंगे। निवेदन करना है तो जब तक महेश्वर समाधि से उठ नहीं जाते तब तक प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने से अधिक उपयुक्त होगा तपस्या करना, और मैं वही करूंगा भगवान शिव को मनाने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, ये और कौन भक्त है जो भगवान भोलेनाथ को पुकार रहा है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो राजा भगीरथ है। इससे पहले परमपिता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे और अब भोलेनाथ को मनाने पर तुले हुए हैं। तुम नहीं मानोगे भगीरथ, गंगा को नारायण के श्री चरणों से विलक करते ही रहोगे? करो। लोक हित के लिए किया गया कार्य अवश्य सफल होगा। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगीरथ, प्रभु भोलेनाथ, भगवान मेरा उद्धार करे। प्रभु, उद्धार तो तुम्हारे द्वारा होगा इस जगत का। आपके अनुग्रह के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता भोलेनाथ, कुछ भी नहीं। मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से श्रापित होकर भस्म बनकर पड़े हुए हैं। प्रभु, माँ गंगा का पवित्र जल ही उन पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। पूर्वजों का उद्धार तो मात्र निमित्त है भगीरथ, तुम्हें तो इससे भी महान उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मुझ तुच्छ प्राणी में महान उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता और सामर्थ्य कहाँ है देवेश्वर? ब्रह्मा और महेश को बुलाकर अपने सामने खड़ा करने की सामर्थ्य रखने वाला प्राणी तुच्छ नहीं हो सकता भगीरथ। अपना प्रयोजन कहो। अंतर्यामी और सर्वज्ञ के सम्मुख प्रयोजन प्रकट करने का अपराध मुझसे क्यों करवाते हैं भोलेनाथ? मेरी तो इच्छा मात्र यही है भगवान, कि मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के पश्चात माँ गंगा धरती को उर्वरा और शस्य श्यामला बना दे, साथ ही साथ पापियों का भी उद्धार करे। प्रभु, ऐसा ही होगा भगीरथ। इसके लिए आपको गंगाधर का
रूप धारण करना होगा भगवान। माँ गंगा को पृथ्वी पर स्थिर करने के लिए आप उन्हें अपनी जटाओं में धारण करेंगे, तभी मेरे पूर्वजों के उद्धार के कार्य को गति प्राप्त होगी। प्रभु प्रतीत ऐसा होता है कि पूर्वजों के उद्धार से अधिक तुम तो मानव जाति के कल्याण के लिए चिंतित हो। ऋषि मुनियों की वाणी से यही सत्य ग्रहण कर सका हूँ भगवान, कि अपने कल्याण की कामना हो तो जगत के कल्याण की कामना करो। शाश्वत सत्य भी यही है। तो हे कल्याण करता भोलेनाथ, मेरा और जगत का कल्याण करो। प्रभु कल्याण करो। संपूर्ण जगत के प्रति शुभ और सद्भावना रखने वाले का कल्याण अवश्य होता है भगीरथ। हम गंगा के वेग को स्थिर करके उसके पावन जल से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कराएंगे। पतितों का पाप हरने के कारण गंगा पतित पावन कहलाएगी। उनकी कृपा होगी तो अवश्य ऐसा ही होगा। प्रभु मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही गया है, अब माँ गंगा से निवेदन कर उन्हें भी मना लूंगा। प्रभु उन्हें भी मना लूंगा। इस हेतु ब्रह्मा जी प्रयत्न कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु से चर्चा के पश्चात उन्होंने गंगा को इस कल्याणकारी कार्य हेतु बुलाया है। तुम निश्चिंत रहो भगीरथ। प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज्ञा करे श्री हरि, आपने बुलाया और मैं उपस्थित हूँ। मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। प्रयोजन विशेष हो अथवा साधारण, आपने स्मरण किया तो मुझे उपस्थित होना ही है, आपकी आज्ञा का पालन करना ही है। आज्ञाकारिता की ये पवित्र भावना आज्ञा सुनने के पश्चात भी बनी रहे तो सभी का कल्याण होगा। मेरे प्रति क्या आपको शंका है जगदीश्वर? क्या मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा कर सकती हूँ? तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा गंगा। बस यही है आपकी आज्ञा, इसी हेतु से आप विचार कर रहे थे। पृथ्वी पर तो सभी देवगण आते जाते रहते हैं, स्वयं आप भी तो मानव रूप धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ रहता हूँ, परंतु इस समय तुम्हें वहाँ एक विशेष प्रयोजन से भेजा जा रहा है। ये तो और भी प्रसन्नता का विषय है कि आप मुझे पृथ्वी पर किसी विशेष प्रयोजन से भेज रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, पृथ्वी पर जाऊंगी, उद्देश्य पूर्ण होते ही लौट आऊंगी। नहीं नहीं गंगा, वहां जाकर पुनः यहां लौटने की संभावना और प्रावधान तुम्हारे लिए नहीं है। पुनः यहां लौटने की संभावना नहीं है, अर्थात मुझे सदा के लिए पृथ्वी पर वास करना होगा। आप मुझे अपने चरणों से सदा सदा के लिए वंचित करना चाहते हैं। मैं आपके श्री चरणों से वंचित हो जाऊं? क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? किस अपराध का दंड आप मुझे देने के लिए इच्छुक हैं? शांत हो जाओ गंगा, शांत हो जाओ। शांति का बीज मेरे अंदर डालकर आप मुझे कैसे शांत कर पाएंगे? पृथ्वी पर सदा सदा वास करने की आपकी आज्ञा मेरे लिए शांति का नहीं अशांति का कारण है जगदीश्वर। हमें विश्वास है गंगा कि स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाने के पश्चात तुम अवश्य शांत हो जाओगी। अपने निराधार विश्वास को भ्रम का आधार देने की चेष्टा ना करें जगदीश्वर। सदा सदा धरती पर वास करने की कल्पना मात्र से मेरा रोम रोम कांप रहा है। रोम तो अपराधियों का कांपता है गंगा। जगदीश्वर कृपा करके आप मुझे मेरा वो अपराध बताइए जिसके दंड स्वरूप आप सदा सदा के लिए मुझे पृथ्वी लोक भेज देना चाहते हैं। गंगा तुम ब्रह्मा हो, इसलिए पृथ्वी पर जाने को दंडमान बैठी हो। पृथ्वी पर जाना और वहां के प्राणियों के सुख दुख में भागीदार होना दंड नहीं पुरस्कार है, और अभी अभी स्वयं ही तुमने ये स्वीकारा है कि मैं भी पृथ्वी पर जाने के लिए लालायित रहता हूँ। अवश्य कहा है,
किंतु स्थायी रूप से आप भी वहां कभी निवास करना नहीं चाहेंगे। लक्ष्य पूर्ण होने पर पुनः लौटना अवश्य होगा। यदि लौट कर आना है तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु परंतु सदा सदा के लिए। तुम अकारण ही अशांत और उत्तेजित हो रही हो गंगे। वहां जाने का प्रयोजन ज्ञात होने के पश्चात तुम्हारी विचारधारा की दिशा पलट जाएगी। क्या ये भी आपका विश्वास है? यदि है तो कहिए, वह आपका प्रयोजन जिसे धरती पर जाकर मुझे पूर्ण करना है। तो सुनो, एक दिन राजा सगर के 1000 पुत्र अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा करते हुए दिग्विजय के लिए राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तब राजा इंद्र ने उनका घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यहाँ तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कहीं दिखाई भी नहीं देता। अरे ये तो किसी ऋषि मुनि का आश्रम लगता है। हमारा अश्व आश्रम में क्यों आएगा? हमें पता है कि आश्रम है। अश्व का कैसे ज्ञान होगा कि आश्रम है? वो तो कहीं भी जा सकता है। चलो आओ और कहीं ढूंढते हैं। चलो चलो चलो, आ, चलो। वो देखो सामने मुनि बैठे हुए हैं, तप और ध्यान में डूबे हुए। चलो चलकर उनसे पूछते हैं अश्व के विषय में। मुनिवर, आपने हमारे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा है? मुनि श्रेष्ठ, हम सगर पुत्र हैं। हमारे महाराज राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। क्या आपने हमारा अश्व देखा है? ऋषि मुनि ऐसे अहंकारी होते हैं क्या? ये कैसे मुनि है जो हमारी बात सुनते ही नहीं? ये हमारा घोर अपमान है। यदि ये मुनि है तो हम भी राजा सगर के पुत्र हैं, हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है। अरे देखो देखो, घोड़ा अश्वमेघ का घोड़ा। अच्छा तो हमारा अश्व यहाँ बांध रखा है इस मुनि ने। ये मुनि नहीं, चोर है, चोर। ये ठग है, ठग। मुनि का ढोंग रचा कर ये चोर यहाँ ऐसे बैठा है जैसे पकड़ में नहीं आएगा। ये चोर है, ठग है, ढोंगी है, इस दुष्ट को दंड मिलना ही चाहिए। दुष्टो, तुम मुझे दंड दोगे, मैं तुम्हें अभी भस्मीभूत किए देता हूँ। एक अत्यंत दुखदायी प्रश्न है कि राजा सगर ने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और अपने पौत्र अंशुमान को यह आदेश दिया कि जब तक मां गंगा पृथ्वी पर प्रकट होकर हमारे पौत्रों का उद्धार न करें तब तक ये तपस्या का कार्यक्रम चलता रहे। राजा सगर ने दिया ये आदेश? हाँ, तुम्हारी तपस्या ने सगर, अंशुमान और राजा दिलीप ने भी इस कठिन कार्य में अपने प्राण समर्पित कर दिए। पितामह का आदेश और पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या का प्रयत्न त्यागा नहीं। श्राप देने के पश्चात यही एक उपाय है उनके उद्धार का। समझी जगदीश्वर, समझी। भगीरथ के पूर्वजों के पाप की कालित मुझे अपने तन से लगानी है। कुकर्म तो उन्होंने किए, उसकी पीड़ा वे भुगत रहे हैं, किंतु किंतु किस कारण आपने भगीरथ और कपिल मुनि ने यह व्यवस्था तय की कि मेरे ही स्पर्श से उनका उद्धार होगा? इसे विधि का विधान मानो गंगे। मान लेती हूँ, और इससे उनका उद्धार हो भी गया तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ से उज्जवल रूप लेकर जाऊं और पाप की कुरूपता लेकर लौटूं? मैं तो भूल ही गई थी, आपने मेरे लिए लौटने का प्रावधान रखा ही नहीं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का इतना कम मूल्यांकन क्यों कर रही हो गंगा?
क्या आकाशवासी गंगा की उज्ज्वलता का पक्ष इतना दुर्बल है कि पृथ्वीवासियों का पाप मिटाने से कलंकित और कुरूप हो जाएगा? उज्ज्वलता तो नष्ट होती ही है जगदीश्वर। क्या किसी का उद्धार करने से शक्ति और उज्ज्वलता नष्ट होती है? नहीं गंगा, नहीं। किसी का हित कल्याण और उद्धार करने से शक्ति और उज्ज्वलता नष्ट नहीं होती, अपितु और अधिक बढ़ती है। चाहो तो प्रयोग करके देख लो। वैसे देवगण तो सदा से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसे ही सत्य मानती हूँ। पृथ्वी पर जाकर भगीरथ के पूर्वजों को अपना स्पर्श देकर उनका उद्धार करके लौट आती हूँ। आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, आज्ञा पालन करने का मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। किंतु फिर मुझे धरती पर स्थाई वास करने के लिए ना कहे जगदीश्वर, ना कहे। गंगा, तुम अपने कल्याणकारी स्वरूप को पहचान क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा गौरव आकाश स्वर्ग में वास करने से नहीं, पृथ्वीवासी होने में है। क्या पृथ्वी पर वास करने से पृथ्वी का कल्याण होगा? संपूर्ण देवगण और स्वयं मैं इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि धरती पर बढ़ती तामसिकता और आसुरी भाव यदि इसी गति से बढ़ते रहे तो धरती पर जीवन दुभर हो जाएगा। जहाँ पग पग पर झंझावात मृत्यु का रूप धरकर डुबो देने के लिए तत्पर रहता है, और जहाँ निराशा की गहराई निगल जाने के लिए सदा मुंह खोले खड़ी रहती है, वहां यदि प्राणी मुझे अपने मन में थाम ले तो मैं पतवार हूं, मैं ब्रह्मा जी के आदेश से जब भगीरथ कैलाश पहुंचे तो शिवगण ने उन्हें शिव समाधि भंग करने से रोका। तब नारद के कहने से भगीरथ ने शिव आराधना आरंभ की। शिव प्रकट हुए तो वरदान में भगीरथ ने पूर्वजों के उद्धार और पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाने के लिए गंगावतरण की याचना की। शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। भगवान विष्णु ने गंगा से धरती पर जाने का अनुरोध किया। गंगा प्रसन्न नहीं थी। गंगा, तुम अपने कल्याणकारी स्वरूप को पहचान क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा गौरव आकाश स्वर्ग में वास करने से नहीं, पृथ्वीवासी होने में है। क्या पृथ्वी पर वास करने से पृथ्वी का कल्याण होगा? संपूर्ण देवगण और स्वयं मैं इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि धरती पर बढ़ती तामसिकता और आसुरी भाव यदि इसी गति से बढ़ते रहे तो धरती पर जीवन दुभर हो जाएगा। वहां सात्विकता और दिव्यता का प्रचार प्रसार करने और पापियों के प्रायश्चित करने की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकूंगी? धरती वासियों का तुम्हारे स्पर्श से उद्धार होगा। तुम पापियों को तारोगी, उनको नया जीवन दोगी। पापियों का उद्धार करने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना जगदीश्वर? मेरे अतिरिक्त क्या कोई अन्य देवता ये कार्य नहीं कर सकता? निसंदेह अन्य कोई नहीं कर सकता। पाप का नाश करने की सामर्थ्य जो तुम्हें प्राप्त है अन्य किसी को प्राप्त नहीं। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना तो तुम्हारे कार्य व उद्देश्य की भूमिका मात्र है। तुम्हारा मूल उद्देश्य तो धरती को उपजाऊ करना और युगों युगों से पापी जनों के भीतर बैठी पाप की अग्नि को शांत करना है। फिर उससे क्या होगा जगदीश्वर? तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना की महानता से प्रभावित होकर जन जन तुम्हें माता के सम्मान से सम्मानित करेगा। माता का स्वरूप धारण करने पर वात्सल्य भाव से पापी पुत्रों का पाप हरण कर लोगी। तुम्हारे इस मातृत्व रूप के कारण पृथ्वी पर चहुं ओर सदा तुम्हारी जय जयकार होगी। मेरी आज्ञा मानो गंगा, और पृथ्वीवासियों की माता बनकर
उनका कल्याण करो। भगीरथ, बुलाओ गंगा को। हे मां गंगे, शिवजी ने क्रोधित होकर जो ओंकार भरी तो तीनों लोग कंपित हो गए। तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान हुआ? तो ये शिवजी की ओंकार थी? हाँ, शिवजी की शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, वे साक्षात शक्ति हैं। तो अवश्य ही वे मेरे वेग की तीव्रता को सहन कर सकेंगे। अवश्य। मुझे पृथ्वी पर कब जाना होगा प्रभु? शुभ और कल्याणकारी कार्य में विलंब क्यों? तुम्हें तुरंत पृथ्वी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आज्ञा दे जगदीश्वर। गंगा, 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 गंगा। गंगा। ये तीव्र वेग तुम्हारे अहंकार का परिचय दे रहा है गंगा, इसे नष्ट करना ही उचित होगा। अपनी शक्ति और वेग के अभिमान में अपना उद्देश्य भी भूल गई तो अब पड़ी रहो सदा सदा के लिए मेरी जटाओं में। अभिमान टूटे तब तक वहीं विश्राम करो। वो कैसे होगा देवेश्वर? मेरा अभिमान तो तब नष्ट होता जब मैं आपके चरणों में गिरती अथवा गिरूं। देवेश्वर, मैं तो आपके मस्तक पर विराजमान हूं, मेरे तो गर्भ में वृद्धि हुई है। ये क्या अनर्थ हो गया भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? आपने तो माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। उन्हें धरती पर प्रवाहित करे प्रभु, उन्हें धरती पर प्रवाहित करे। नहीं भगीरथ, नहीं, जब तक गंगा का अभिमान नहीं टूटता ये संभव नहीं। कैसा अभिमान भगवान, कैसा अभिमान? देखा नहीं तुमने, गंगा अपने प्रबल वेग और प्रवाह में हमें भी प्रवाहित करना चाहती थी। उसे अभिमान है कि जगत में कोई भी उसके प्रबल वेग के सामने टिक नहीं सकता। अभिमानी का अभिमान जगत के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, अतः गंगा का अभिमान टूटना अत्यंत आवश्यक है। किंतु देवादिदेव, माँ गंगा जिस कार्य व उद्देश्य से पृथ्वी पर आई है उसका क्या होगा प्रभु? वे जगत का कल्याण और उद्धार कैसे करेंगी भगवान, कैसे करेंगी? भगीरथ, तुमने कभी सुना, देखा अथवा जाना कि किसी अहंकारी और अभिमानी ने किसी का उद्धार अथवा कल्याण किया है? निरंकारी और निराभिमानी ही हित और कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं।
ये कार्य गंगा के वश में नहीं, वो तो अभिमानी है। पर देवाधिदेव, जब तक माँ गंगा आपकी जटाओं से बाहर नहीं आ जाएंगी, तब तक ये कैसे ज्ञात होगा प्रभु कि उनका अभिमान भंग हो चुका है। अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं भगीरथ। शिव भगीरथ के साथ अधिक तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि गंगा अभिमानी है। उसके इसी अभिमान को खंडित करने हेतु भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। जन कल्याण के लिए यह आवश्यक भी था, किंतु मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरित न होने से भगीरथ के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा भी दुविधा में गिर गए। भगीरथ का उद्देश्य असफल होता देख इस समस्या के निराकरण हेतु ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु के समक्ष बैकुंठ में पधारे। क्या आपको लगता है कि देवाधिदेव मेरे कहने से मान जाएंगे और गंगा को मुक्त कर देंगे? मेरा विश्वास तो यही कहता है श्री हरि कि गंगा आपके चरणों से विलग होकर अहंकारी हो गई, इसी कारण शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तो जग के सृष्टा हैं और ये सत्य भी जानते हैं कि अहंकारी न तो किसी का उद्धार कर सकते हैं और न ही किसी का कल्याण। फिर भी गंगा को उद्धार कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी के लिए प्रस्थान तक गंगा में किंचित मात्र भी अहंकार नहीं था, किंतु शिवजी की जटाओं में पहुंचते पहुंचते उसका अहंकार जाग उठा। मेरे चरणों में वास करने वाली गंगा क्या अभिमानी हो सकती है? जो कुछ उसने किया और जिसका वो परिणाम भुगत रही है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि उसने कुछ नहीं किया। ब्रह्मदेव, मेरे चरणों से विलग होने के पश्चात और धरती के तल पर अवतरित होने से पूर्व शिव जी के मस्तक पर विराम करने का सौभाग्य और पूर्ण लाभ उठाने के लिए ललायत थी, ताकि पृथ्वी वासियों को पवित्र कर सके। गंगाधर और गंगेश्वर से गौरवान्वित होने वाले शिव जी के नाम में अपना योगदान करने के लिए उसने अहंकारी होने की लीला रचाई है। निरंकारी होकर ही तो कल्याणकारी हो सकती है। जिस सत्य का उद्घाटन आपने किया है उससे शिवजी तो परिचित नहीं है, चले उनके पास। शंकर, हे भोलेनाथ, आपने तो मुझे वरदान भी दिया था और कृपादान भी, फिर अब मैं आपकी अप्रसन्नता के कारण दुविधा में क्यों हूँ? भगवान, मुझ पर दया करो, देवाधिदेव कृपा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, गंगा उतरण हुआ ही और नहीं भी। नारायण नारायण। तुम बताओ नारद, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। श्री हरि विष्णु, आप और ब्रह्मदेव यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? ये तो आप स्वयं ही जानते हैं भोलेनाथ। हम तो आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि भगीरथ के प्रयत्न को सफल बनाएं और गंगा को मुक्त कर दें। वो स्वयं मुक्त होना नहीं चाहती, अपनी लीलाओं में मुझे सम्मिलित कर मेरी जटाओं में आ बैठी है। किंतु वो स्वर्ग से यहाँ आपकी जटाओं में बैठने के लिए नहीं आई है भोलेनाथ। तो आप उसे ले जाएं पुनः अपने चरणों में बिठाने के लिए। अब तो ये भी संभव नहीं है। भगीरथ, उसके पिता तथा पितामह का तप फलित होने का समय आ गया है। देवाधिदेव, पापियों का उद्धार करने का कार्य भी गंगा ही करेगी। ऐसी स्थिति में न तो वो मेरे चरणों में रह सकती है और न ही आपकी जटाओं में। अब तो उसे पृथ्वी पर जाना ही होगा भोलेनाथ। कृपा करके गंगा को मुक्त कर दें देवेश्वर। हाँ भोलेनाथ, उन्हें मुक्त कर दें। माँ गंगा का दर्शन लाभ कराए भोलेनाथ। मैं तो स्वयं इच्छुक हूँ कि गंगा के भार से मुक्त हो जाऊं। मेरे भार से आप मुक्त कैसे हो सकेंगे भगवान? सारा जगत
सदा आपको गंगाधर और गंगेश्वर कहता ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ के नामों की संख्या क्या पहले कम थी, अब तो राजा भगीरथ ने उसमें वृद्धि कर दी है। आपके दर्शन पाकर मेरा और मेरे पूर्वजों का जीवन धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। और भविष्य में पृथ्वीवासियों का जीवन भी सफल होगा। नारायण नारायण। जाओ गंगा, भगीरथ का अनुगमन करके इसके पूर्वजों का उद्धार करो, पापियों का कल्याण कर भगीरथ के प्रयत्नों को सफल करो, और भविष्य में ऐसी कोई लीला न रच डालना जिससे देवगण कहें कि शिव ने गंगा को सिर पर चढ़ा रखा है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, निकली ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, सबके मन के पाप को धोने तन का संकट हरने। भगीरथ पूर्वज की मुक्ति तो माध्यम थी बस केवल, मूल कार्य था युगो युगो तक जग को करना निर्मल, आसुर शक्ति बढ़ ना पाए छल को करने निश्चल। सर्वप्रथम गौ मुख से चल के हरिद्वार में आई, आगे फिर प्रयाग के तट की शोभा आन बढ़ाई, रस बरसाती वाराणसी में ये काशी कहलाई। श्रद्धा भाव से जो भी प्राणी गंगा स्नान करे, गंगा माँ की महिमा गाए इसका ध्यान करे, भगीरथ जैसा फिर तो गंगा उसका भी कल्याण करे। जटा से गंगा धरती पावन करने, निकली ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, सबके मन के पाप को धोने तन का संकट हरने। हर हर गंगे ओ।